हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी कूल हैंडमेड्स। आज मैं इन कपड़ों के कतरन से आपको एक डबल बेड का दोहर बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें जो कपड़े सिलते हैं उससे जो कपड़े बच जाते हैं कतरन, उससे हम छोटे छोटे स्क्वायर्स कट कर लेंगे जो कि 5x5 इंचेस के हैं। ऐसे हमें अराउंड 400 पीसेस चाहिए डबल बेड का बनाने के लिए। अब इन कतरन को, इन पीसेस को हम एक साथ जोड़ लेंगे एक के बाद एक। एक लाइन में 20 पीसेस हमें अटैच करने हैं। ये 20 पीसेस की लाइन है। ऐसे हमें 20 पट्टियाँ तैयार करनी है। फिर इन पट्टियों को एक के नीचे एक रख के जोड़ना है। देखिए, ये मैंने जोड़ के इसको तैयार कर लिया। ये एक पूरी डबल बेडशीट बनकर रेडी हो गई है। अब इसके नीचे हमें एक पुरानी बेडशीट लगानी है। इस बेडशीट को अच्छे से हम फैला लेंगे और इस इसको ऊपर अच्छे से सेट करके हमें सिलाई चलानी है बीच बीच में, जिससे कि ये मजबूत हो जाए, इधर उधर सरके नहीं। ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया है बेडशीट के ऊपर इसे, और देखिए बीच में मैंने सिलाई चला ली है। ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, मेरे सिलाई मशीन में डिज़ाइन दी हुई है। अगर आपकी सिलाई मशीन सिंपल है तो आप सिंपल स्टिचेस भी लगा सकते हैं, इससे ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा और इधर उधर सरकेगा भी नहीं। देखिए पीछे से भी सिलाई। मैंने बीच बीच में दो दो ब्लॉक्स छोड़ के सिलाई लगाई है। अब इसके पीछे हमें एक और बेडशीट लगानी है। ये उल्टी साइड है, इसको हम सीधी साइड से लगाएंगे, जिससे कि दोनों तरफ से हम इस दोहर को यूज़ कर सकें। अच्छे से फैला लेंगे और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। इसे हम इस दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। ये हमारा दोहर बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हमें किनारे पाइपिंग लगानी है, पट्टी लगानी है, जिससे कि फिनिशिंग दिखे। इसके लिए मैंने एक पुरानी शर्ट की पीस पड़ी हुई थी उसको यूज़ किया है। आप कोई भी पुराना कपड़ा जो यूज़लेस हो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखिए पट्टी काट ली है। ये पट्टी आपकी 3 इंचेस की रहेंगी। इसको मैंने हाफ हाफ इंच मोड़ के फिर बीच में से 1 इंच पे फोल्ड करके आयरन कर लिया है। इससे आपकी पट्टी इक्वल रहेगी, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं होगी और लगाने में भी बहुत ही इजी रहेगा। इसको लगाने के लिए हमें ऊपर से 1 इंच छोड़ना है, फिर उसके बाद हमें हाफ इंच की दूरी पर रखकर सिलाई लगानी है। देखिए पीछे भी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो अच्छी सी आएगी। अब इसका कॉर्नर बनाने के लिए हमें इसे तिरछा सिलना है किनारे से। देखिए मैंने तिरछी सिलाई चलाई। अब इसको फोल्ड करके ऊपर से बराबर करके मोड़ करके दूसरी तरफ से सिलाई लगानी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। देखिए फिनिशिंग आ गई, कॉर्नर हमारा बनकर रेडी हो गया है। यहाँ से इसको बराबर करके ऐसे फोल्ड करेंगे दूसरी तरफ, तो इधर भी आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ किनारे पे सिलाई लगा लेंगे तो ये बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी आपकी। देखिए पीछे सेट हो गई है। ये हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है।
ये कलरफुल दोहर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मोटा भी नहीं है ज़्यादा। इसको आप एसी में भी यूज़ कर सकते हैं कंफर्टर की तरह, हल्की ठंड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो कपड़े के छोटे छोटे पीसेस बचते हैं, कतरन निकलती है, उसका यूज़ नहीं हो पाता है, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग ब्लॉक्स छोटे बड़े भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।